तो यार आज पूरा हमारा काम है, टाउन की तरफ आए हुए हैं और हमारे साथ चाइनीज फ्रेंड है, योर नेम इज अली, नो योर नेम इज क्वे, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा काम है, उस चक्कर में हम आए हुए हैं। अकेला तो नहीं आता हूँ, बेसिकली मैं अपने दोस्तों के साथ ही आता हूँ हमेशा। और आज हम आपको थोड़ा यहाँ का ना डाउन टाउन दिखाते हैं, शाम के टाइम देखा होता है। बहुत ही प्यारा टाउन है, आप इसकी सफाई सुथराई चेक करो यार, यहाँ पे कितनी सफाई है और जैसा माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है। काफ़ी क्लोज हो चुकी है और ये डिनर का टाइम है, हम जा रहे हैं। पहले हमने सोचा कि काम करवाते हैं और उसके बाद डिनर करेंगे। तो भाई बहुत मज़े की जगह है, प्यारी जगह है। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद हमें वो जगह मिल गई। बेसिकली मुझे फ़ोटो लेना था क्योंकि हम मंडे वाले दिन को जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिस, तो हमें एक फ़ोटो चाहिए थे, तो मेरे पास नहीं है। भाई साहब यहाँ से सिर्फ मैंने फ़ोटो प्रिंट निकलवाए थे, फ़ोटो मेरे पास पड़ा हुआ था एडिट हुआ हुआ, उसके 20 युआन इन्होंने लिए हैं, मतलब पाकिस्तानी 786 रुपये बन रहे थे। और मज़े की ये बात है कि एक बात मैंने ना उससे शायद गलत बता दिया, फिर दोबारा मुझे वो निकलवाने पड़े। ऐसा समझो कि 40 रुपये मैंने आज फ़ोटो के दिए हैं और पाकिस्तानी समझो 1500 के मैंने फ़ोटो लिए हैं 4, तो पाकिस्तान में आपको तो ये 150-200 में 8 मिल जाते हैं। भाई साहब डिनर का टाइम हो चुका है और सामने मुस्लिम रेस्टोरेंट है, तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना डिनर यहीं पर ही करते हैं। बेसिकली जहाँ पे काम था बिल्कुल उसके सामने ये रेस्टोरेंट था, तो सही है, मुस्लिम और अच्छा है। भाई साहब ये आ गया हमारा डिनर जहाँ पे, तो चलो ठीक है। मेरे दोस्त हैं चाइनीज़ रोशन में, आपको पता होगा अगर आपने व्लॉग देखे होंगे, तो वहाँ पे तो अक्सर मैं अलोन जाता था, अकेला जाता था डिनर लंच करने, बट यहाँ पे मेरे दोस्त हैं। हमारा तो हो गया डिनर, अभी हम यहीं पे ही इस टाउन में थोड़ा हैंग आउट कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि थोड़ा वॉक करेंगे, खाना खाया है, और यहाँ पे एक्सेस टेप का स्टोर भी है, तो अभी हम वहीं पे भी जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर कोई सेल वगैरह लगी हुई है तो हम वहाँ से शूज़ वगैरह देखते हैं। अगर कोई सेल में शूज़ मिल रहा है तो हम सेल से शूज़ उठाएँगे, वरना एक्सेस टेप के जो शूज़ हैं बहुत बड़े महंगे होते हैं यहाँ पर। तो आपको पता है यहाँ की चाइना की अच्छी खासी ब्रांड है वो। तो अभी हम थोड़ा यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, खाना अभी खाया है, तो इसलिए हम डाउनटाउन को भी देख रहे हैं थोड़ा बहुत। यस लुक, ओके यस लुक। भाई फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे ऐसा माहौल मिलेगा जैसे पाकिस्तान में बाहर बैठ के खाना छाना खाते हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है इसी टाउन में। ये देखोगे इधर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इधर भी वैसा ही माहौल है, बिल्कुल घूमने के लायक है, बंदा घूम सकता है इस टाइम। बहुत अच्छा टाउन है यार, आना चाहिए, मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे एक मार्केट में आए हैं, ये बहुत अच्छी मार्केट मुझे लग रही है। ये मेरा दोस्त बोल रहा है बहुत ही मुनासिब रेट है, यहाँ पर आप ले सकते हो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए। तो देखते हैं जो जो चीज़ें हलाल हैं वो हम उठाते हैं, और ये मुझे बताता जा रहा है कि भाई ये चीज़ आपके खाने के लिए है, ये आप खा सकते हो और ये आप नहीं खा सकते। हमने ड्राई फ्रूट उठाया था, वो थोड़ा फ्रेंड ड्राई फ्रूट था, तो उसमें ना चिकन का जो फ्लेवर वो था डला हुआ, तो उसने मुझे मना कर दिया कि ये चीज़ आप नहीं उठाएँ, ये आपके खाने के लिए नहीं है। भाई सारी चीज़ें देख के फिर मुझे बोल रहा है कि ये चीज़ आपके खाने के लिए आप खा सकते हो और ये चीज़ आपके खाने के लायक नहीं है, आप नहीं खा सकते। ओके यस दिस ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे जो वज़न के हिसाब से मिल रही हैं, शायद अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा रश है और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें सस्ती हैं यहाँ पे। ये हमारी चीज़ें देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। सबसे ज़्यादा मैंने ना ब्रेड उठाई है,
भाई साहब ये मुझे एक और जगह लेके आए हैं, यहाँ की सबसे बड़ी क्लोथ मार्केट ऐसा ही समझो। बेसिकली ये मुझे दिखा रहे हैं जो जितने जितने स्टोर हैं ना यहाँ पे चीप और सस्ते वाले, वो मुझे बोल रहे हैं कि भाई आज सब आपको दिखाते हैं, फिर आपका जब दिल करे आप आओ और अपने हिसाब से चीज़ें लेके जाओ। चीज़ तो बहुत अच्छी पड़ी हुई है यहाँ पे सस्ते में, सस्ता स्टोर है ये। यार इन्होंने आज बाग के चक्कर में मुझे बहुत घुमाया है और अभी भी पता नहीं कहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई अब चल रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई चलो, मुझे क्या है, अगर इनको बोलूँगा मैं थक चुका हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं लेके आएंगे। तो देखते हैं अभी कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर इन्होंने मैप पे तो लोकेशन लगा दी है और अभी हम जा रहे हैं। नहीं आ तो गए यहाँ पे, शायद यहाँ पे गेम वगैरह चल रही हैं और जाके अंदर पता चलेगा। अभी बिल्डिंग में तो आए हैं। नो वन नो वन। ओह अबे यार ये यहाँ भी आए हैं हम इस जगह पे। मायो मायोला व्हाट इज सेज Guys, all game. Oh, all game. What do you want to play? This one? हमारे पास ये सारे टोकन पड़े हुए और जो गेम हमें खेलनी होगी तो हम उसको प्ले करेंगे। तो वैसे अब रात के तकरीबन 10 बजने वाले हैं, या अभी तक खेल रहे हैं, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। और वैसे इस व्लॉग को भी हम यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।